नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा पवन। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने हमीरपुर और चंबा चिकित्सा महाविद्यालयों में वर्चुअल माध्यम से ऑक्सीजन संयंत्रों का किया लोकार्पण। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली में रह रहे प्रवासी हिमाचलियों के लिए 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किए वितरित। शिमला व्यापार मंडल ने जरूरी वस्तुओं की दुकानें दिन में 3 घंटे तक खुला रखने के सरकार के फैसले का किया स्वागत। कोरोना कर्फ्यू के चलते सोमवार से थम जाएंगे परिवहन निगम की बसों के पहिए, आपातकालीन स्थिति में ही चल पाएंगी निजी वाहन। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा और डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में PSA ऑक्सीजन संयंत्रों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दोनों संयंत्र इन चिकित्सा महाविद्यालयों में भर्ती मरीजों को निर्बाध रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के समक्ष प्रदेश के वर्तमान ऑक्सीजन के कोटे को 15 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 30 मीट्रिक टन करने का आग्रह किया है, ताकि प्रदेश की बढ़ती ऑक्सीजन आवश्यकता को पूरा किया जा सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हमीरपुर और चंबा चिकित्सा महाविद्यालयों में ऑक्सीजन संयंत्रों का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले से ही प्रदेश के लिए 13 ऑक्सीजन संयंत्र स्वीकृत किए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में स्वीकृत किए गए 7 संयंत्रों में से 6 धर्मशाला, मंडी, शिमला, चंबा, नाहन, हमीरपुर में स्थापित हो गए हैं और टांडा में शीघ्र ही संयंत्र स्थापित हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राज्य के लिए स्वीकृत 6 ऑक्सीजन संयंत्र जिला कांगड़ा के नागरिक अस्पताल पालमपुर, जोनल अस्पताल मंडी, जिला शिमला के नागरिक अस्पताल रोहडू और नागरिक अस्पताल खनेरी, जिला सिरमौर में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के लिए 5000 डी टाइप और 3000 बी टाइप के ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाने का मामला केंद्र सरकार के समक्ष रखा है, ताकि प्रदेश में ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके और ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति बनी रहे। जयराम ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित PS प्लांट 30 बिस्तरों वाले समर्पित कोविड वार्ड में निर्बाध ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि यह वार्ड 3 माह के रिकॉर्ड समय में स्थापित किया गया है और मरीजों को निर्बाध ऑक्सीजन आपूर्ति प्रदान करने के लिए इसे 300 LPM PSA प्लांट से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि सभी 30 कोविड बिस्तरों में ऑक्सीजन की सुविधा प्रदान की गई है और बीमार मरीजों के लिए 20 वेंटिलेटर स्थापित किए गए हैं। इस वार्ड में 6 ICU बिस्तर, 4 HDU बिस्तर, 1 ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम और 20 ऑक्सीजन युक्त बिस्तर होंगे, जो 24 घंटे कोरोना के मरीजों को सघन देखभाल सेवाएं प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबा का ऑक्सीजन संयंत्र जिला चंबा के लोगों को सुविधा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि अभी तक चिकित्सा आपातकाल के दौरान मंडी से ऑक्सीजन सिलेंडर लाने में 2 दिन का समय लगता था। उन्होंने कहा कि यह संयंत्र मरीजों को 24 घंटे ऑक्सीजन उपलब्ध करवाएगा। मैं सभी जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी बधाई देता हूँ और हमीरपुर के लिए और चंबा के लिए स्वाभाविक रूप से ये बहुत बड़ी खुशी का विषय है। इस वक्त इस संकट की घड़ी में ऑक्सीजन के इन प्लांट का बहुत बड़ा महत्व है। उस दृष्टि से दोनों जगह ये काम चला हुआ था और दोनों जगह ये काम जल्दी में पूर्ण करने के पश्चात आज इसकी शुरुआत हुई है और स्वाभाविक रूप से इस बात से भी हम सहमत हैं कि बहुत लोगों के जीवन को बचाने के लिए ये दोनों प्लांट को अपनी आने वाले समय में एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन देंगे। आप सबके बीच में ये बताते हुए
प्रसन्नता भी है कि हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहीं किसी प्रकार की इस संकट की घड़ी में कोई कठिनाई ना हो। व्यक्तिगत रूप से जब भी अवसर प्राप्त होता है फोन पर सूचना हमसे हासिल करते हैं, जानकारी हासिल करते हैं, और पिछले कल में बहुत विस्तार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल के सारे कोविड के सारी सिचुएशन पर हमसे चर्चा की है। तो निश्चित रूप से ये स्थिति हिमाचल की नहीं पूरे देश की स्थिति ऐसी है, इसलिए हम इस बात को महसूस करते हैं कि बहुत ज्यादा सजग और सावधान होकर के काम करने की आवश्यकता है। वहीं वित्त एवं कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्य सरकार द्वारा कोविड 19 मरीजों को ऑक्सीजन की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस महामारी से लड़ने के लिए राज्य सरकार को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने प्रदेश के लोगों से राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं और दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में रह रहे प्रवासी हिमाचलियों को कोरोना आपदा के दौरान ऑक्सीजन संबंधी कोई समस्या न आने पाए इसके लिए दिल्ली के विभिन्न हिमाचली कल्याणकारी संस्थाओं को अपने निजी प्रयासों से 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वितरित किए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना आपदा की इस घड़ी में हमारे लिए हर जान कीमती है। केंद्र सरकार व राज्य सरकारें आपसी समन्वय से इस विपदा से निपटने के लिए सारे जरूरी कदम उठा रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के कारण संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और इस बढ़ते संक्रमण के चलते पूरे देश में ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ी है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा हमीरपुर में वर्चुअली ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने पर उनका आभार भी प्रकट किया। तो हम पिछली बार जब कोरोना की मार देखने को मिली तो सबसे पहले जरूरत आती थी मास्क की, पीपी किट्स की, राशन देने की, लेकिन इस बार का जब दोबारा ये दूसरी लहर आई है उसमें देखने को मिला कि ऑक्सीजन की बहुत मांग बढ़ी है, चाहे अस्पतालों में है या घरों में है। तो हमने अपनी ओर से प्रयास किया कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सभी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जाएं, हमने वो भी शुरुआत कर दी और अगले 10-15 दिनों के अंदर वो लग के तैयार भी हो जाएंगे। ये रिकॉर्ड समय के अंदर एक महीने के अंदर 3 ऑक्सीजन प्लांट हम लगाकर दे देंगे। इसके अलावा जो सरकारी क्षेत्र से लगे हैं, पीएम केयर से लग रहे हैं, वो अलग से लग रहे हैं। इसके अलावा भी हिमाचल प्रदेश के हर जिले को पीपी किट्स हों, मास्क हो, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो, ऑक्सीजन रेगुलेटर विद रोटामीटर हो और बाकी मेडिकल उपकरण हो, वो भी हम हिमाचल प्रदेश के हर जिले को देने जा रहे हैं, जो अगले 7 दिन के अंदर प्रदेश के हर जिला में पहुंच जाएगा। लेकिन दिल्ली में जो हिमाचल के लोग रहते थे और हिमाचल की अच्छी संस्थाएं यहां पर काम करती हैं, दिल्ली एनसीआर रीजन में भी हम लगभग 50 कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की आज शुरुआत कर रहे हैं, ताकि अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से देश के लोगों को दिल्ली में जहां पर भी जरूरत हो 400 टन का होगा, लेकिन खपत 1500 टन के लगभग है, तो देश के बाकी हिस्सों से यहां पर पूर्ति करनी पड़ती है। और उसके लिए एयरफोर्स हो, नेवी हो, रेलवे हो, सबने आगे आने का काम किया है। पूरा देश एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ने में लगा है, लेकिन कुछ लोग कमरों में बैठकर राजनीति करने में लगे। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज अस्पताल नाहन को अब डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है, जिसके बाद अस्पताल की ओपीडी तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई है। अब मेडिकल कॉलेज अस्पताल नाहन में केवल कोविड रोगियों का इलाज हो सकेगा। अस्पताल के एमएस डॉक्टर श्याम कौशिक ने कहा कि अस्पताल में कोविड रोगियों के लिए हर संभव सुविधाएं जुटाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टर वाई एस परमार मेडिकल कॉलेज अस्पताल नाहन के एमएस डॉक्टर श्याम कौशिक ने बताया कि सरकार के आदेशों के बाद नाहन अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाया गया है, जिसके बाद ओपीडी तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई है। अब अगले आदेशों तक ओपीडी बंद रहेगी। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब कोविड रोगियों का इलाज होगा। अस्पताल प्रबंधन कोविड रोगियों के लिए हर संभव सुविधाएं जुटाने का लगातार प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि कोविड अस्पताल बनाए जाने के बाद सभी विभागों के अध्यक्षों की बैठक बुलाई जा रही है, ताकि आगे किस प्रकार कार्य होगा इस बारे में आवश्यक दिशा निर्देश जारी हो सके। निर्देश मिला है ऊपर से अथॉरिटी से, उसके हिसाब से हमने इसको डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर हो गया है। तो अभी हमने आज से ही एक तो ओपीडी सर्विसेज अपने सस्पेंड कर दी है,
टिल फर्दर ऑर्डर्स, और दूसरा भी हम अपने सारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स है उनकी हम एक मीटिंग बुलाएंगे और उसके हिसाब से हम देखेंगे कि हम कैसे कैसे मैनेज, किस किस की ड्यूटीज़ कहाँ कहाँ कैसे लगेगी और हम कैसे इसको आगे मैनेजमेंट करेंगे इसका। प्रदेश सरकार की नई गाइडलाइन के बाद सोमवार से कई पाबंदियां लगा दी गई हैं। सिरमौर जिला में अब सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ही आवश्यक सामान की दुकानें खुली रहेंगी। डीसी सिरमौर डॉक्टर आर के परूथी ने कहा कि जिला में लगातार कोरोना के मामले में वृद्धि हो रही है जो बेहद चिंतनीय है। उन्होंने बताया कि नए आदेशों के मुताबिक भवन निर्माण संबंधी दुकानें अब बंद रहेंगी, साथ ही नगर पालिका क्षेत्र में आने वाले ढाबे सिर्फ पैक्ड फूड की ही सप्लाई कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार के आदेशों के मुताबिक अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी पूरी तरह से बैन रहेगा। जिलाधीश सिरमौर ने कोरोना कर्फ्यू को लेकर एक बार फिर लोगों से अपील की है कि लोग सरकार द्वारा जारी आदेशों का पालन करें। और जैसे जैसे केस बढ़ते जा रहे हैं उसकी वजह से हमें रेस्ट्रिक्शन भी बढ़ानी पड़ेंगी। अभी जो लेटेस्ट पिछले कल हिमाचल प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइंस इशू की हैं, जो हमारा कर्फ्यू था 17 मई तक सुबह 6 बजे तक, वो कर्फ्यू एज सच बरकरार रहेगा। जो 5 मई के ऑर्डर थे उसमें कुछ चेंजेज अभी किए हैं, उसमें जो हमारी मार्केट है वो सिर्फ 3 घंटे के लिए खुली रहेगी 8 से लेके 11 बजे तक। उसमें जो असेंशियल कमोडिटी वाली आइटम है सिर्फ वही दुकानें खुलेंगी, जो कंस्ट्रक्शन की पहले अलाउड थी वो दुकानें बंद हो जाएंगी। हमारे जो नेशनल हाईवे पे ढाबे हैं या MC एरिया में भी ढाबे हैं खुले रहेंगे, लेकिन MC एरिया वाले किसी को बिठा के खाना नहीं खिला पाएंगे, सिर्फ टिफ़िन सर्विस या टेक अवे सर्विस दे पाएंगे। जितनी हमारी व्हीकल की रिपेयर शॉप्स थी MC एरिया में वो भी बंद रहेंगी, सिर्फ NH पे वो खुली रहेंगी। भी हमारे पास जो जिला सिरमौर में 2,959 जो एक्टिव केसेज हैं, मैक्सिमम लोग तो उसमें होम आइसोलेशन में हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बंद रहेगा हफ्ते भर में। ये हफ्ता जो है आने वाला 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, मैं सभी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, कृपया घर पर रहें, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें। जो प्राइवेट व्हीकल्स में बिना किसी उद्देश्य से पाए जाते हैं उनको जेल भी हो सकती है। सभी इसमें सपोर्ट करेंगे तभी हम जो कोरोना के केसेज के बढ़ रहे हैं डे बाई डे उसमें गिरावट देख सकते हैं। अगर लोग सहयोग नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में रेस्ट्रिक्शन इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। अभी हम 3 घंटे के लिए जैसे अलाउ कर रहे हैं, अगर ये स्थिति रही हो सकता है सिर्फ होम डिलीवरी ही अलाउड हो। तो सभी को अभी अलर्ट रहने की आवश्यकता है, जागने की आवश्यकता है, सभी इसमें सहयोग करें और जो भी कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं मास्क लगा के रखें। अब तो डबल मास्क की बात कर रहे हैं कि जहाँ ऐसा सेंसिटिव एरिया है, जहाँ पर आपका भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, आप डबल मास्क लगा के रखें। अगर आप अभी भी अवेल ना करेंगे, अभी हम जन ही जागेंगे तो कोरोना को महामारी और फैल सकती है। शिमला व्यापार मंडल ने जरूरी वस्तुओं की दुकानें 10 तारीख से दिन में 3 घंटे तक खोले रखने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा कि वे करीबन 15 दिन पहले से सरकार से ये मांग कर रहे थे कि बाजारों को खोलने और बंद करने की समय सीमा निर्धारित की जाए, और अब सरकार ने जो फैसला लिया है वे इसका स्वागत करते हैं। इससे निश्चित तौर पर कोरोना की चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सरकार ने 10 मई से प्रदेश में कई नई बंदिशें लागू की हैं, जिसमें अब बाजार केवल दिन में 3 घंटे के लिए ही खुले रहेंगे। हमने शिमला व्यापार मंडल ने काफ़ी दिन पहले लगभग 15 दिन पहले सरकार से ये मांग की थी कि एक लॉकडाउन की आवश्यकता है, तो सरकार ने इसके बीच में कुछ किया भी था। पहले वीकेंड का जो लॉकडाउन था, शॉप बंद थी, और उसके बाद जो किया वो 6 आवर्स 6 बजे तक जो हमारी डेली नीड्स की शॉप खुलनी थी, बाकी बाज़ार बंद थे। लेकिन वो भी मुझे लगता है वो एक कोरोना फ्रेंडली कर्फ्यू था, लेकिन जो अब जो निर्णय लिया सरकार ने बिल्कुल ठीक लिया है, क्योंकि काफ़ी संक्रमण फैल चुका है। अब सिर्फ एसेंशियल कमोडिटी की शॉप्स ही खुली रहेंगी, वो भी 3 घंटे के लिए, जो कि बिल्कुल वाजिब निर्णय है। मुझे लगता है कि हम सब इसमें सरकार का सहयोग करेंगे तो डेफिनेटली हम कोरोना से जीतेंगे। वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह बंद रहेगा, जबकि निजी वाहनों की आवाजाही पर भी अगले आदेशों तक प्रतिबंध है। भले ही HRTC की बसों की आवाजाही पर 10 तारीख से प्रतिबंध है, लेकिन एक दिन पहले ही बस अड्डों पर बसों के पहिए थम गए। शिमला में अधिकतर रूटों पर इक्का दुक्का बसें ही चली, जिस वजह से सवारियों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ी। बसों की आवाजाही कम होने के कारण शिमला बस अड्डे समेत अन्य बस स्टॉपेज पर बसों का इंतजार कर रहे लोगों को मजबूरन पैदल ही अपने गंतव्य के लिए जाना पड़ा।
लोगों का कहना था कि बस सेवा 10 मई से बंद होनी थी, लेकिन एक दिन पहले ही शहर में कम संख्या में बसें नजर आ रही हैं और उन्हें काफी इंतजार करने के बाद भी बस नहीं मिल पा रही है, जिस कारण वे पैदल ही कई किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक पहुंचने को मजबूर हैं। बहुत दिक्कत आ रही, हम कैसे जा पाएंगे, ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। ट्रेन कल से बंद होने जा रहा है बस, इसलिए मैं आज ही निकल पर जा रहा हूँ बिहार के लिए। HRS बस की इंतजार कर रहे हैं। कितनी देर से यहाँ खड़े हैं, इस तरह से आज बसें नहीं हैं? घंटे एक डेढ़ दो घंटे से खड़े हैं, मैं पुराना बस स्टैंड अड्डे से शिमला। कितनी परेशानी आ रही है? बहुत परेशानी है बस के तबाह, इसीलिए मैं गांव जाने के लिए सोच रहा हूँ कि कल से लॉकडाउन लग जाएगा तो मैं क्या खाऊंगा और कहाँ रहूंगा। हिमाचल प्रदेश में 10 मई से नई बंदिशें लागू हो रही हैं और अगले आदेशों तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स की आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा, जिसमें टैक्सियां भी शामिल है। ऐसे में शिमला ओल्ड बस स्टैंड टैक्सी ऑपरेटर्स ने सरकार के समक्ष कई मांगे रखी हैं। ओल्ड बस स्टैंड टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन के अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि वे सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन पिछले वर्ष लगे लॉकडाउन की वजह से वे अभी तक आर्थिक मंदी की मार झेल रहे हैं और अब फिर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने जा रहा है। ऐसे में सरकार को टैक्सी ऑपरेटरों के बारे में कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि टैक्सी ऑपरेटरों को वाहनों की किश्त निकालना भी मुश्किल हो गया है, वहीं वे टैक्स देने में भी असमर्थ है। ऐसे में यदि सरकार ब्याज मुक्त लोन का प्रावधान करती है तो उनकी मुश्किलों का काफी हद तक समाधान हो सकेगा। ये जो सरकार ने फैसला लिया बहुत बढ़िया है, हम सरकार के साथ हैं। जो सरकार फैसला लेगी हम उनका पहले भी पालन किया और आदेशों को आगे भी करेंगे, पर हम सरकार से यह कहना चाहते हैं कि जैसे पिछले साल हुआ लॉकडाउन में सरकार ने प्राइवेट गाड़ियों को खुली परमिशन दी कि आप जैसे में चलते रहो और टैक्सी का काम करते रहे, तो सरकार से यह कहना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो भी टैक्सियां चलेगी उनके लिए विदाउट परमिशन चलनी चाहिए, और आउट ऑफ स्टेट हम अगर जाते हैं तो हम सरकार से परमिशन लेने को तैयार है। जैसे कोई चंडीगढ़ दिल्ली से अगर गाड़ी आती है उसके लिए हम टैक्सी जाती है तो हम परमिशन लेने को तैयार है, भाई हिमाचल में कहीं भी टैक्सी जाती है तो उसके लिए परमिशन ना हो। और जैसे सरकार बोलती है कि प्राइवेट गाड़ियां ही चल पाएगी, तो हिमाचल प्रदेश में अगर कोई बीमार हो जाता है तो हर आदमी के पास प्राइवेट गाड़ी थोड़ा नहीं है, तो वो जो गरीब आदमी चला टैक्सी करेगा। अब टैक्सी वाला अगर कहीं 200 रुपये का 400 रुपये का लोकल अगर उसके लिए परमिशन लेने जाएगा तो उतनी परमिशन वो तो पैसे वैसे ही मर जाएगा। तो सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि टैक्सी वालों के साथ ऐसा अत्याचार मत करो। जितना भी टूरिज्म क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, आज तक 1.5 साल से किसी ने कारोबार नहीं किया, नहीं बैंकों की किस्त निकालना मुश्किल हो गया है, परिवार चलाने मुश्किल हो गए हुए, और साथ ही सरकार ने अभी राहत तो क्या देनी है, राहत तो देने तो दूर की बात है, 550 रुपये जो परमिट फीस है वहाँ सरकार ने 25,000 रुपये टैक्स बढ़ा दिया। तो हम सरकार से यहाँ कहना चाहते हैं कि ऐसे टैक्सी वालों पे क्यों अत्याचार कर रहे हैं आप लोग, और इतनी बुरी हालत हो चुकी है टूरिज्म क्षेत्र जितने भी हिमाचल प्रदेश में जुड़े हैं लोग, परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है और आने वाले समय में बहुत स्थिति खराब होने वाली है। कोरोना की महामारी से लोग बाद में मरेंगे, भूखमरी से ही लोग वैसे ही मर जाएंगे, तो सरकार को कुछ ना कुछ इसलिए बारे में विचार करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में राष्ट्रीय उच्च मार्ग चंडीगढ़ मनाली पर गांव डटवाल में सीमेंट से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के साथ लगते एक मकान पर जा गिरा, जिससे मकान को काफी नुकसान हुआ है। वहीं मकान के पास खड़ा किया गया एक बाइक भी इसकी चपेट में आने की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया। बता दें ट्रक बरमाना से किरतपुर जा रहा था जो सीमेंट से भरा था। घटना की सूचना पुलिस थाना स्वारघाट को दी गई। स्वारघाट पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर लिया है। मेरा नाम सुभाष है और गाँव डडवाड़। सुबह 4:30-5 बजे के करीब जोर से धमाका हुआ जी, और जब बाहर निकल के देखा तो गाड़ी लेंटर के ऊपर पड़ी हुई थी, जिससे हमारा मकान क्षतिग्रस्त हो गया है, टोटल मकान मतलब टूट गया है, और एक बाइक भी नीचे आ गई है। और PWD से हम यही डिमांड करते हैं कि यहाँ ब्लैक स्पॉट बनाया जाए और रेलिंग वगैरह लगाई जाए। वैश्विक महामारी कोरोना ने देश के हर वर्ग को प्रभावित किया है। वहीं बात करें प्रदेश की राजधानी शिमला की तो यहां भी कोरोना का कहर जारी है। कोरोना का सबसे ज्यादा असर पर्यटन कारोबारियों पर पड़ा है। कारोबारियों का कहना है कि COVID-19 की दूसरी लहर के कारण उनका कारोबार एक बार फिर पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, जिस कारण उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। कारोबारियों का ये भी कहना है कि वह कई बार प्रदेश सरकार से मांग कर चुके हैं कि उन्हें कुछ राहत प्रदान की जाए, लेकिन सरकार द्वारा उन्हें किसी तरह की कोई राहत प्रदान नहीं की गई है।
प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप का असर एक बार फिर पर्यटन क्षेत्र पर पड़ने लगा है। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि वे पिछले एक साल से आर्थिक मंदी की मार झेल रहे हैं। उनका कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर ने एक बार फिर उनके कारोबार को प्रभावित किया है और लगातार कोरोना संक्रमितों के मामले बढ़ने के कारण बाहरी राज्यों से इक्का दुक्का सैलानी ही हिमाचल का रुख कर रहे हैं। राजधानी शिमला के होटल व रेस्टोरेंट से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि उन्हें अपने स्टाफ तक की सैलरी देना तक मुश्किल हो गया है। वहीं सरकार की तरफ से बिजली, पानी व कूड़े के पूरे बिल वसूले जा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार की तरफ से उन्हें किसी भी तरह की राहत नहीं दी गई है। यहाँ पे जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो टूरिस्ट से ही था, उससे जो है काम में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया है। काम अब ये कह सकते हैं कि जो पहले 80-90% होता था वो सिर्फ 5-6% रह गया है। काम बिल्कुल नहीं है इस हिसाब ऐसा हो गया है कि अब स्टाफ को सैलरी देना और खर्चे निकालना भी बहुत मुश्किल हो गया है। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सूद ने कहा कि कोरोना की पहली व दूसरी लहर ने पर्यटन कारोबार को बिल्कुल खत्म कर दिया है। उनका कहना है कि कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के कारण पर्यटक हिमाचल का रुख नहीं कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि उन्हें सरकार से उम्मीद थी कि वे उन्हें कूड़ा, बिजली व पानी के बिलों में कुछ राहत जरूर देगी, लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें कोई भी राहत नहीं दी गई। फर्स्ट वेव, सेकंड वेव टूरिज्म बिल्कुल निल हो चुका है और खास कर दो तीन हफ्ते हो गए जो बिल्कुल टूरिस्ट हिमाचल की ओर आ नहीं रहे हैं। और संभावित है क्योंकि इतना केसेस फैल रहे हैं हर जगह, खास करके जहाँ से टूरिस्ट आते हैं वहीं पर इतने केसेस बढ़ रहे हैं। तो आज की डेट में एटलीस्ट शिमला की बात करूँ तो वर्चुअली निल है। राधा स्वामी सत्संग व्यास परौर में 250 बेड के कोविड मेकशिफ्ट अस्पताल का कार्य 15 मई से पूर्व पूरा कर यहां कोरोना संक्रमितों के उपचार की सुविधा आरंभ कर दी जाएगी। अतिरिक्त उपायुक्त राहुल कुमार ने राधा स्वामी सत्संग परौर में निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के उपरांत यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला में संक्रमण पिछले कुछ दिनों में तेजी से फैल रहा है, इसी के मद्देनजर सरकार और प्रशासन द्वारा कोविड से निपटने के लिए पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। अतिरिक्त उपायुक्त राहुल कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वयं राधा स्वामी सत्संग व्यास परोर का दौरा कर अधिकारियों को दिन रात कार्य कर मेकशिफ्ट अस्पताल बनाने के निर्देश जारी किए थे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित रोगियों से भी नियमित तौर पर जिला मुख्यालय तथा उपमंडल मुख्यालय के कंट्रोल रूम के माध्यम से संपर्क किया जा रहा है। इसके साथ ही 1077 टोल फ्री नंबर के माध्यम से कोविड संक्रमितों तथा उनके परिजनों को उचित परामर्श भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए प्रशासन के साथ साथ आम जनमानस का सहयोग भी बहुत जरूरी है। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 250 बेड का यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ था, उसका रिव्यू लेने में आया था और यहाँ पे कार्य अच्छा चल रहा है। हमारा कार्य प्रगतिशील बहुत अच्छा है और 15 मई से हम इस स्टार्ट कर देंगे। कल तक जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और जो ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन जो मैनिफोल्ड का कार्य है वो चलता रहेगा। उस यहाँ पे जो टॉयलेट की जो फैसिलिटीज़ वो भी एडिक्वेट है, डॉक्टर्स रूम का भी हमने एडिक्वेट फैसिलिटी रखा है और जो यहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का भी हम एक टेम्प्ररी स्टॉप गैप अरेंजमेंट करेंगे। जिला हमीरपुर में कोरोना मरीजों की संख्या में हो रहे इजाफे व मौतों के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए हमीरपुर व्यापार मंडल अब कोरोना से मरने वाले व्यक्तियों के दाह संस्कार के लिए निःशुल्क लकड़ियां उपलब्ध करवाएगा। व्यापार मंडल द्वारा 30 क्विंटल सूखी लकड़ियों का प्रबंध किया गया है और आगामी दिनों में और लकड़ियों की भी व्यवस्था की जाएगी। व्यापार मंडल हमीरपुर के अध्यक्ष अनिल सोनी ने बताया कि जिला में विभिन्न क्षेत्रों में हो रही कोरोना से मौत के कारण कई लोगों को दाह संस्कार में इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी के लिए दिक्कतें पेश आ रही थी, जिसको देखते हुए व्यापार मंडल ने यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल ने इसके लिए पहले चरण में 30 क्विंटल लकड़ियों का प्रबंध किया है, अगर जरूरत पड़ती है तो और भी लकड़ियों का प्रबंध किया जाएगा। कोरोना महामारी में हमने अपनी तरफ से कल SDM साहब को एक फोन के माध्यम से हमने उनको पूछा कि जितने भी हमीरपुर में या सराउंडिंग में कोई कोरोना की वजह से कोई डेथ्स होती हैं, तो कई बार हमने ऐसा देखा कि कईयों के लेने वाले परिवार या ऐसा कई बार होता है कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या नगर परिषद की तरफ से उनका दाह संस्कार किया जाता है। तो हमने अपने साथियों से सलाह मशवरा करके ये हमने SDM को एक अपनी प्रेजेंट किया हमने अपनी तरफ से कि जितना भी उनका लकड़ियों का इंतज़ाम है वो व्यापार मंडल की तरफ से हम करने की कोशिश करेंगे और हम उसको करके देंगे।
तो इसलिए अपने SDM साहब ने उसके लिए हमारा धन्यवाद किया। और एक तो ये वैश्विक महामारी के कारण मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। वहीं स्थानीय लोगों ने भी व्यापार मंडल के इस कार्य को लेकर प्रशंसा की है, क्योंकि इस समय कोरोना से मौत होने पर परिवार को कई बार दाह संस्कार के लिए दूसरे इलाकों में भेजा जा रहा है, जिस दौरान उन्हें लकड़ी नहीं मिल पा रही है। लोगों का कहना है कि व्यापार मंडल का यह एक सराहनीय कदम है, जिससे दाह संस्कार के लिए मौके पर ही लकड़ी उपलब्ध हो पाएगी। सराहनीय निर्णय है व्यापार मंडल का, बहुत खुशी होती है जब ऐसी कोई संस्था आगे आती है। ये बहुत ही सराहनीय है। मतलब पहली बात तो ये है कि मतलब इन लकड़ियों की किसी को ज़रूरत ना पड़े, और अगर हाँ ज़रूरत पड़ती है तो व्यापार मंडल के सभी सदस्य जो हैं वो बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेंगे। धार्मिक कार्य भी है। पहले तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जो व्यापार मंडल ने डिसाइड किया है कि हम लोग लकड़ियों का इंतजाम करेंगे, पहली बात तो मैं भगवान से प्रार्थना ये करूँगा कि उनकी किसी को ज़रूरत ना पड़े, पर जरूरत पड़ती है तो उसके लिए व्यापार मंडल हमारा हर संभव प्रयास करेगा। कोरोना महामारी के बीच कई लोग अलग अलग तरीकों से मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। सिरमौर जिला के रेणुका विधानसभा क्षेत्र में NSY कार्यकर्ताओं ने विभिन्न इलाकों में सैनिटाइजेशन का जिम्मा संभाला है। रेणुका के कांग्रेस विधायक विनय कुमार के आह्वान पर NSY कार्यकर्ता जहां सैनिटाइजेशन का जिम्मा संभाले हुए हैं, वहीं ऑक्सीमीटर के माध्यम से जरूरतमंद लोगों का ऑक्सीजन लेवल भी चेक कर रहे हैं। विधायक विनय कुमार ने कहा कि रेणुका विधानसभा में कई ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं जहां बड़ी संख्या में लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, ऐसे में यहां सैनिटाइजेशन और ऑक्सीजन लेवल चेक करने का कार्य NSY कार्यकर्ता और अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस दौरान किसी भी तरीके से संक्रमण फैलने का खतरा ना रहे, लिहाजा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी SOP का बखूबी पालन किया जा रहा है। आज हमारे क्षेत्र में NSY के जो छात्र हैं उन्होंने एक सैनिटाइज का प्रोग्राम शुरू किया है। उन्होंने सारी जगह जाके जो जहाँ जहाँ ये कोरोना के केसेस हमारे ज़्यादा आ रहे हैं उन उन क्षेत्र में जाके जगह को सैनिटाइज किया है, और साथ ही उन्होंने ऑक्सीमीटर से लोगों का ऑक्सीजन लेवल भी चेक किया है। मेरा उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो इसी तरह से लोगों की मदद करते रहें, और मेरा ये भी निवेदन है कि जो भी SOP हेल्थ डिपार्टमेंट की है और गवर्नमेंट की है उसको पूरे ध्यान में रखते हुए अपने आप को मास्क लगा के, हैंड ग्लव्स लगा के और सैनिटाइज करके फिर इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाए। और साथ ही में मेरा ऐसा निवेदन है जो स्टूडेंट्स हमारे संग्रह कॉलेज के, हरिगुजार कॉलेज के, जदाव कॉलेज के, जो भी NSY के स्टूडेंट्स इस मुहिम में अपना योगदान देना चाहते हैं तो वो आगे आए और हम उनको हर संभव सहायता देंगे ताकि वो लोगों की मदद कर पाए। तो ऐसे में जो ये एक प्रोग्राम रेणुका चुनाव क्षेत्र में हमने शुरू किया है उसमें समूचा जो क्षेत्र है वो कांग्रेस के लोगों ने 62 पंचायतों में ऑक्सीमीटर बांटे हैं, और उस ऑक्सीमीटर से हम लोगों के ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि कई क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जहाँ से 30-30, 32-32 केसेस पॉजिटिव कोरोना के आ रहे हैं, और उन क्षेत्र में उनको होम आइसोलेट किया गया है सभी लोगों को। तो ऐसे में कोई भी हेल्थ की टीम उन तक नहीं जा रही है और ना उनके ऑक्सीजन लेवल चेक किया जा रहा है। तो हमारे जो नौजवान छात्र हैं वो वहां तक पहुंच रहे हैं और ऑक्सीमीटर को लेके उनको ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे हैं ताकि उनको हर संभव सहायता मिल सके। और अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल गिरता है तो हमने अपनी एक गांधी हेल्पलाइन रिलीज की है, तो उस पर किसी भी फोन पे फोन करके हमारे मेडिसिन के लिए या ऑक्सीजन के लिए या कोई उनको हॉस्पिटल तक जाने के लिए जो भी संभव सहायता होगी वो हम प्रदान करेंगे कांग्रेस कमेटी। हिमाचल खबरनामा के संग में इतना ही। नमस्कार।